जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके बीच एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न संख्या 1 लेके आया हूं, जो इस प्रकार है। कह रहा है, गेहूं की दो किस्मों को मिलाया गया है। 60 केजी गेहूं में ए किस्म का 40% और 60% गेहूं बी किस्म का है। कहता है, मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए, जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं कितना हो जाए, 40% रह जाए। हम यहाँ पर देखेंगे कुल कितना है, 60 केजी है ए और बी। अब क्या कह रहा है, ए किस्म का 40%, तो ए किस्म का 40% यहाँ 40, ए का 60 केजी कुल है, तो कुल में 40% ए है, तो 40% कितना हो जाएगा, 60 का 40% 24 हो जाएगा, और बी तब कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो ये 24 केजी जो गेहूं है ए किस्म का है और बी 36 केजी गेहूं है। उसके बाद क्या कह रहा है, मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए। अब क्या कह रहा है, ए में कितना गेहूं और मिला दिया जाए, जिससे मिश्रण में बी किस्म के गेहूं कितना हो जाए, 40% रह जाए। पहले ये कितना था, 60% था, और ये कितना था, 40%। अब पूछ रहा है, 40% जो ए था, इसमें कितना और गेहूं मिला दिया जाए कि बी कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कितना बचा, 36 है, और ये हो कितना जाएगा, 40%। हम ये कह सकते हैं 40% बराबर 36, तो 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 बटा 40 × 100, 0 से 0 49 जा, कितना हो जाएगा, 90। कुछ इसमें जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुल 90 केजी हो जाएगा, जिसमें 36 केजी क्या है, बी है। तो 36 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 और ये 5, 54 केजी, जिसमें 54 केजी में ए पहले कितना था, 24 केजी था, तो 54 केजी में 24 केजी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा मेरा, 30 केजी, मतलब 30 केजी गेहूँ इसमें मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो 60% और 40% के बीच रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है, कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9:25 और 2:x एक्स बराबर 5:15 है, तो y का मान क्या होगा। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटा y का होल स्क्वायर बराबर 9:25 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा कितना, x बटा y इजकल टू 3/5। तो यहाँ देखिए क्या दे दिया है, 2/x इजकल टू 5/15, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, 6/y इजकल टू 3/5, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पुल में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 m³ है, तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। मान के चलिए इस लंबाई चौड़ाई दे दिया, अब ऊंचाई पूछ होगा, ऊंचाई नहीं पता है तो क्या करेंगे, 50 मीटर ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या कर देंगे, ऊँचाई। मान के चलिए ये आयताकार या वर्गाकार या घना घन जैसे देखे होंगे, तो उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका आयतन मतलब इसको हम लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, जब डुबकी कोई व्यक्ति उसमें 90 व्यक्ति गया और 1 m³ क्या कर रहा है, पानी विस्थापन कर रहा है, तो 1 m³ पानी, तो मतलब 90 m³ पानी क्या होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इसकी आयतन जो हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई या जो पानी बढ़ा यहाँ, उसका आयतन बराबर 90 गुना कितना पानी बढ़ रहा है, 1 m³, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम h के लिए क्या कर लेंगे, 90/50 × 45, 45 × 2 = 90, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, ये कितना आ गया, 1/25 m आ गया। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 4 = 100, तो 4 cm हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जैसे देखिए, 90 व्यक्ति, एक व्यक्ति 1 m³ पानी को विस्थापित करता है, तो 90 व्यक्ति कितना पानी को विस्थापित करेगा, तो 90 m³, और यहाँ लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, पानी के स्तर में वृद्धि होगा तो ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो आयतन होगा, इसके आयतन मतलब ये जो 90 m³ है, इसके बराबर होगा। यहीं से h का वैल्यू हम निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात दे दिया एक्स रेशियो वाई।
जब ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की कमी होती है तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 3x + 2y / 5x - y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए देख लीजिए, ए और बी आय का अनुपात कितना दे दिया, x और y। उसके बाद क्या कह रहा है, जब ए की आय में 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है रेशियो में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 120% बराबर कितना, 5। तो 100% x होगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5/120 गुना कितना 100 से 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50/12। उसके बाद क्या कह रहा है, बी की आय में 40% की कमी होती है तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6, तो बी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से बी निकाल लीजिए, कब, जब 40% की कमी हुआ तो कितना होगा वो, 60% बराबर कितना, 6। तो 100% यहाँ से निकाल लीजिए, वाई कितना होगा, 100%। तो यहाँ 100% बराबर 6/60 × 100, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कितना बचा, 10 बचा। तो अब एक्स रेशियो वाई निकाल लेते हैं हम। तो एक्स रेशियो वाई निकालने के लिए x/y = x कितना आ गया मेरा, 50/12/ ये कितना आ गया, 10 by 1 हम लिख सकते हैं। तो बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 50/12 × 1/10, 0 से 0 5/12। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब क्या पूछ रहा है, 3x + 2y / 5x - y। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3x, x कितना है मेरा, 5। तो 3 5 जा कितना हो गया, 15 + 2y। y का वैल्यू कितना है, 12 2 जा कौन क्या हो जाएगा, 24/5x। x कितना है, 5 5 5 जा 25 माइनस y कितना है, 12। इसको ऐड कर दीजिए, 5 4 9 2 1 3। 25 में 12 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1, तो 13 3 जा कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39। ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, 1600 रुपया की राशि पर, 16000 रुपया की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया, 102.40 रुपया है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो रुपया दिया हुआ इसका कुछ तो परसेंट हुआ होगा, 102.40 बटा क्या कर देते हैं, 16000। कितना परसेंट ये है वो निकाल लेते हैं, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 और ये 100 क्या होगा, कट गया, ये 0 से 0 काट दिए। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड दे दीजिए, 1024 कितना है ये, 1600। डायरेक्ट क्या करते हैं, नहीं लगेगा, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पर 0 दे देते हैं, कितना बार हम लगाते हैं, 6 बार में कितना हो जाएगा, 6 0, ये भी 0, 6 6 36, 6 16 और ये कितना हो जाएगा मेरा, 36 6, ये 9 हो जाएगा, ये 0 4 12 में 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 6 और ये क्या होगा, 0। फिर यहाँ पर 0 दे देते हैं तो यहाँ 4 बार में लगेगा, 16 4 जा 64, कितना बच आया, 0.64%। अब यहाँ पर देखेंगे किसका, जैसे देखिए पहला वर्ष 5% मिला होगा तो दूसरा वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में 5% लगेगा, 5% करने के लिए क्या करते थे, 25 25 / 100 करेंगे तो कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे किसका 8% कितना हो जाएगा, 8% 0.64, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, क्योंकि 8% क्या होता है, 0.64, क्योंकि 2 साल का अंतर क्या हो जाता है मेरा, यही हो जाता है परसेंटेज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, यदि 1/a = 1/7 = 1/3.43 / 1/a है तो a का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे क्या करेंगे, 1/a / 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 7/a हो जाएगा = 1/3.43 / 1/a करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/3.43 हो जाएगा। पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई,
क्या हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा, ए को एस करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 100 इजकल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 343। यहाँ 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 343 बटा 100। ये स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा ए बराबर रूट अंडर 7 इंटू 343 को क्या लिख सकते हैं, ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब के लिए क्या 7 इंटू 7 लिख देते हैं बट्टा 100 को लिख दीजिए बराबर। देखिए 2 7 में 1 7 निकल जाएगा, फिर 2 7 में 1 7 निकल जाएगा, 100 का कितना होता है 10 होता है, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 4.9 का वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही क्या है इसका आंसर छोटा होगा, देख लीजिए सॉल्यूशन छोटा होगा। अभी यहाँ देखिए, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से कितना 1 घंटा 40 मिनट अधिक है, तो उस व्यक्ति को अपना सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम देख रहे हैं। अब देखिए उसका चाल कितना, पहले चाल का अनुपात दे दिया 3/4, पहले मान के चलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ होगा, तब कितना है 30 किलोमीटर, तो चाल का जो अनुपात है जब समय का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इसको पलट देंगे। अब देखिए यहाँ पहले कितना 3 घंटा लगता था, अब कितना 4 घंटा लगता होगा, इसके अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना है 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा का अंतर, या इसको हम कह सकते हैं 60 मिनट का अंतर, तो 1 घंटा का अंतर, यहाँ 1 घंटा का अंतर, और यहाँ अंतर कितना दे दिया डिफरेंट देख लीजिए 1 घंटा 40 मिनट का अंतर, तो 1 घंटा 40 मिनट हम इसको कह सकते हैं कितना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये 4 भाग ये 3 भाग, 1 भाग का अंतर, इसको भाग ही रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 भाग का पार्ट, जिसे 4 पार्ट ये 3 पार्ट, 1 भाग का 1 पार्ट का अंतर कितना है हमको 1 घंटा 40 मिनट, या 60 + 40 = 100 मिनट हम लिख सकते हैं 100 मिनट का है, तो 3 भाग में कितना समय लगता होगा 1 भाग = 100 मिनट, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 300 मिनट, 300 मिनट हो गया। अब क्या कह रहा है, इसको 300 मिनट लगता होगा, कुल दूरी कितना है देख लीजिए 300 मिनट हुआ। अब इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड देंगे 0.0650 5 घंटा का समय लेगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6,000 रुपया की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, एक वर्ष में तो सेम ही रहेगा, दूसरे वर्ष में क्या हो जाता 5% कितना हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका 0.25% निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6000 इंटू इसका 0.25% निकालने के लिए 100, इसको पॉइंट कराइए बटा क्या करेंगे 100, 0 से 0 ये 1 से 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काट दीजिए 5 5 जा 5 2 जा 2 3 जा, 5 3 जा कितना हो गया 15 रुपया, तो अंतर डिफरेंट कितना आ जाएगा 115 रुपया का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू धन्यवाद।